अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अल्लाह की नेक बंदी को ऐसे जमीन पर पड़े देख बड़ा अफसोस हो रहा है। तुमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम फिर भी हार गई दुआ बेगम। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उससे हुआ था जिसकी किस्मत में हार लिखी नहीं है। अरे दो बज भी गए। मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। मैंने सारी रस्में दो बार की, सगाई भी, उपटन हल्दी भी, मेहंदी भी, मगर निकाह एक ही होगा। और शायद तुम्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि किसके साथ होगा। औकात में रहो, चिल्लाओ मत। देखो दुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मूड मत खराब करो। और सुनो, ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम वहां जाओ, वहां पर बैठकर आराम से अपनी तकदीर पर आंसू बहाओ। मैं अभी हारी नहीं हूं, समझी? मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा, जिसके बाद हैदर अम्मी रोहन सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, पर मैं अपने घर को बर्बाद होने नहीं दे सकती, ऐसा नहीं होने दे सकती। और जहर को काटने के लिए जहर तो पीना पड़ता है। बना तू अपनी माशूका का निकाह मुझसे करवाना चाहता है? मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है हैदर। तुझे शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी के साथ नाजायज रिश्ता बनाया तूने? है मेरे मौला, मैं आज तेरी दरगाह पर एक फरियाद लेकर आया हूँ, हो सके तो कबूल करना। मेरा भाई रूहान, उसे गजल का गुनहगार होने से बचा देना, क्योंकि एक औरत की बद्दुआ जिंदगियां बर्बाद कर देती है। और हो सके तो रूहान को इस निकाह के लिए तैयार कर देना। दुआ, दुआ को रूहान की अम्मी ने बहका दिया, उसे सही रास्ता दिखाना। बात मत करो दुआ, वरना कुछ समय में कुछ ऐसा कह जाऊंगा जिसका अफसोस मुझे उम्र भर होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।